नमस्कार ऑफिसर्स, तमाम अधिकारियों का स्वागत करता हूं मैं सर्वेश आपके अपने जनरल सर्विस क्लासेस के जीजीपी। साथियों, ऑफिसर्स मेकिंग ऑफिसर्स एंड सर्विस क्लासेस मेक ऑफिसर्स मेक्स ऑफिसर वी हेलो गाइज, हेलो ऑफिसर्स, आप सबों का स्वागत है सर्विस क्लासेस के जीजीपी, वेलकम। साथियों, जितने भी हमारे बीपीएससी एप्लीकेंट्स हैं, जो 69 बीपीएससी का एग्जाम 30 सितंबर को देने वाले हैं, उनके लिए अंतिम प्रहार के तहत स्पेशल एमसीक्यू लाया गया है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, वो भी परम आईएएस के ऑफिशियल। तो कहाँ से? परम आईएएस से लाया गया, एकदम ऑफिशियल है, और यही जो क्या है आपका आएगा, ये आपका 100% है। ये एग्जाम में क्या होगा, हूबहू छपेगा, डिटेल एनालिसिस के साथ अंतिम प्रहार। ओके साथियों, बिहार स्पेशल एमसीक्यू 250 एमसीक्यू यूजफुल कुल 69th बीपीएससी प्रीलिम्स। ओके, तो 69 बीपीएससी प्रीलिम्स हेतु ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ आपको पता है बीपीएससी टीआरई के लिए भी ये इम्पोर्टेंट क्लास होगी, क्योंकि आप बीपीएससी जो है बीपीएससी ही टीचर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन लेती है, और उसका सिलेबस कहीं से बीपीएससी 69 से कम नहीं था। और आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई में सिर्फ एक एग्जाम होता है, कितना एग्जाम होता है, सिर्फ एक एग्जाम होता है। ओके, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिटेल डिस्कशन के साथ, अपना बिहार, प्यारा बिहार, निम्न बिहार के बारे में जाने का मौका मिल बने तो रहुआ लोगों लाइक सब्सक्राइब शेयर करी। ओके, तो स्टार्ट करता नहीं, और ये सब तो परम आईएएस के अच्छा अच्छा टॉपर बानी, तो रहुआ लोग जानत नहीं सब कुछ हम कहा बताई, हम तो खाली वीडियो बनाई आयल बानी। ओके, तो रहुआ लोगों के सामने पहला क्वेश्चन बा, कहता है देखिए, क्वेश्चन इंग्लिश में है, हिंदी में है, कोई टेंशन नहीं है, सब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग हमारे साथ सिर्फ बने रहिए, कहीं कोई समस्या नहीं होने देंगे, हम हैं तो फिर क्या गम है। ओके, आप बनेंगे अधिकारी, हमारे साथ बस जुड़े रहिएगा। फाइंड द रॉन्ग मैच, गलत मिलान को खोजे, गलत मिलान को खोजे। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्ट चंपारण, सॉरी, वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्ट चंपारण, 100% सही। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रोहतास, ओके सही बात। उसके बाद विक्रमशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेगूसराय, दिस इज नॉट इन बेगूसराय, दिस इज इन भागलपुर, ये कहाँ है? भागलपुर। ओके, और क्या है, वर्धमान भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैंग्यूर, तो भीम बांध कहाँ है? भीम बांध मुंगेर में है। ओके, तो ये विक्रमशिला कहाँ है? विक्रमशिला भागलपुर के अंदर है। ओके, तो कोई समस्या नहीं, आगे चले। ये ज्यादा मोटा हो गया, इसको थोड़ा पतला कर देते भाई, पतलू हो जा। ओके, हो गया भाई, ये एकदम ऑफिसर बनाने वाली क्लास है। 1922 का द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ऑफ 1922 वाज हेल्ड ऑन विच प्लेस इन बिहार, तो कौन नहीं जानता है, दिस आर हेल्ड इन गया एंड द अध्यक्ष चेयरपर्सन इज ए मोतीलाल नेहरू, नो, सी आर दास मीन्स चितरंजन दास। 1922 के अंतर्गत कहाँ हुआ था कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, तो गया में हुआ था, और अध्यक्षता किसने की थी, चितरंजन दास ने की थी, और इसी में जो है चितरंजन दास द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया कि हम लोगों को क्या लड़ना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, और जब चुनाव नहीं लड़ने का नहीं प्रस्ताव माना गया, तो ये पहले ऐसे अध्यक्ष थे अध्यक्ष जो क्या करते हैं, त्याग पत्र दे देते अपने पास से, त्याग पत्र दे देते, और 1927 में ये क्या करते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। स्वराज, पता होगा ये सब, डिटेल डिस्कशन आपको सिर्फ और सिर्फ सर्विस क्लासेस। कहता था प्लाईवुड इंडस्ट्री इन बिहार इज लोकेटेड इन, तो प्लाईवुड इंडस्ट्री जो है ये बिहार में कहाँ मिलता है, लोकेटेड कहाँ है, तो बिल्कुल सही, ये हाजीपुर के अंदर है, हाजीपुर किस जिला में है, हाजीपुर जो है वैशाली जिला में, और हाजीपुर में ही प्लाईवुड इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर है। कटिहार में आपका क्या है साथियों, तो जूट इंडस्ट्री है। भागलपुर में आपका क्या है, तो भागलपुर में रेशम इंडस्ट्री है। और किशनगंज में आपका क्या है, तो यहाँ पर आपको पता है साथियों, चाय अनुसंधान केंद्र खोला जा रहा है बिहार का, तो ऐसा डिस्कशन और कहाँ। कहता है बिहार के प्रसिद्ध सूफी संत सैफुद्दीन मनेरी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है, और आपको पता है सैफुद्दीन मनेरी का मकबरा कहाँ है, तो बिहार शरीफ में है। ओके, तो इनका संबंध किस संप्रदाय से है, फेमस सूफी संत ऑफ बिहार सैफुद्दीन मनेरी इज रिलेटेड टू विच सूफी ऑर्डर्स, तो किस सूफी ऑर्डर से है, बिल्कुल सही पकड़े आप, ये लोग ये फिरदोसी से, किससे, फिरदोसी से, ठीक है ना, सूफी संत सैफुद्दीन मनेरी।
चंपारण आंदोलन मूल रूप से किसका खिलाफ था? चंपारण आंदोलन जो मूल रूप से ब्रिटिश सरकार के कृषि नीतियों के खिलाफ था, ओके, क्योंकि इसी में क्या था आपका, नील की खेती होती थी, नील की खेती, और जो किसान थे वो किसका विद्रोह कर रहे थे, तो यही नील की खेती का विद्रोह कर रहे थे। आपको पता है 3/20 यानी 3 कटिया, बिहार में 20 कट्ठा का क्या होता है, 1 बीघा होता है, 1 बीघा में क्या करना था, 3 कट्ठा, 3 कट्ठा में आपका किसकी खेती करने के लिए बाध्य किया जा रहा था, नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जा रहा था। ओके ठीक, आगे चले। अगला है, किसने कहा जहां मैं हूं वहां है जगदीशपुर, जहां मैं हूं वहां है जगदीशपुर, ये सवाल क्या किसी का गलत होगा, वीर कुंवर सिंह, ये 75 साल की उम्र में अंग्रेज से लोहा लेते हुए क्या हुए थे, शहीद हुए थे, वीर कुंवर सिंह। ओके, इनके हाथों में गोली लग गया था तो ये अपना हाथ काट के किसे चढ़ा दिए थे, गंगा मैया को, तो वीर कुंवर सिंह ने कहा था मैं जहां हूं वहीं। और वीर कुंवर सिंह का छोटा भाई कौन था, अमर सिंह था, और इसने भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 1857 की क्रांति में जमकर भाग लिया था। ओके आइए आगे चलते हैं। अगला है, पटना से प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी अखबार कौन था, विच वॉज द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज पेपर पब्लिश फ्रॉम पटना, तो पटना से प्रकाशित होने वाला कौन था, तो हिंदू पेट्रियोट, और हिंदू पेट्रियोट किसकी थी, तो राजा हरिश्चंद की, हरिश्चंद मुखर्जी की थी, किसकी थी, हिंदी पेट्रियोट जो है ये बिहार से प्रकाशित होने वाली, पटना से प्रकाशित होने वाली पहली अंग्रेजी समाचार पत्र थी, हिंदी पेट्रियोट हरिश्चंद मुखर्जी की शायद। बिहार राज्य निम्नलिखित में से किस देशांतर के बीच स्थित है, ये तो कोई भी गलत नहीं कर सकता, बिहार राज्य जो है 83° 19' 50" से लेकर 88° 17' 40" तक के बीच है, बिहार राज्य इसी के बीच स्थित है, ठीक ना साथियों, कि कहाँ से, तो 83° 19' 50" से लेकर, मतलब हम लोग जो है वो प्रधान मध्यान रेखा जो है 85.5 डिग्री इससे थोड़ा सा किधर स्थित है, थोड़ा सा पूर्व में स्थित है। ओके साथियों याद रखना है, 1830 के दशक में पटना शहर किस आंदोलन का केंद्र नहीं था, मतलब 1830 में ऐसा कौन सा आंदोलन है जो पटना में नहीं हुआ था, तो बिल्कुल इसका है बावी मोमेंट, तो बावी मोमेंट कब हुआ था, उसके बाद क्या है मुंडा रिवोल्ट, मुंडा विद्रोह 1830 में नहीं हुआ था, ये 1895 में हुआ था। ओके, उसके बाद गोदारी रिवोल्ट और सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह भी पटना में नहीं हुआ था। ओके साथियों, सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था, बंगाल के अंदर हुआ था, ठीक है, 1830 में तो पटना में सिर्फ एक ही विद्रोह हो रहा था बहावी, ये भी विद्रोह कोई विद्रोह नहीं हुआ था, इसलिए इसका जवाब क्या होगा, ई होगा। वैसे इस बार बीपीएससी में ई ऑप्शन नहीं रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ई ऑप्शन के साथ क्वेश्चन है तो कर लेने में क्या फायदा है, दिक्कत है। 1928 में बिहार में रविदास सभा भवन का किसने गठन किया था, गठन किसने किया था, हु फॉर्म द रविदास सभा इन बिहार इन 1928 में कौन किया था साथियों, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका जगजीवन राम, कौन किए थे, जगजीवन राम। और जगजीवन राम के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये पहले क्या थे, पहले धर्म मंत्री थे, इनका संबंध बिहार के कहां से, सासाराम से। वेयर वॉज द फर्स्ट जिला स्कूल ओपेंड इन 1835, 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये पटना में खोला गया था, कहाँ खोला गया था, पटना के अंदर पहला जिला स्कूल। बिहार शब्द का मूल अर्थ क्या है, तो बिहार शब्द का मूल अर्थ है बौद्ध भिक्षुओं को रहने का निवास स्थान, तो क्या है मूल अंत, बौद्ध मठ या बौद्ध, तो बौद्ध मठ किसे कहते हैं, जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते, जहाँ क्या करते हैं, बौद्ध भिक्षु निवास करते, उसे क्या कहते हैं, बौद्ध मठ कहते। ओके साथियों कहता है ये हो गया, कहता बिहार में गंगा नदी से मिलने वाले सोन नदी का उद्गम कहां से होता है, ये कौन नहीं जानता है, सोन नदी का उद्गम अमरकंटक प्लेट्यूस होता है, कहां से होता है, अमरकंटक से, और अमरकंटक कहां स्थित है, तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है, और इस तरह से अमरकंटक पहाड़ी है, इधर सोन निकल जाता है उत्तर की ओर, इधर महानदी थोड़ा ही आगे से निकलता है सियावा पहाड़ी से, और इधर निकल जाता है नर्मदा, तो अमरकंटक से तीन नदियों का क्या होता है, उद्गम होता है, ठीक ना। 1539 को शेरशाह और हिमायू के बीच युद्ध का हुआ था, आपको पता है 1939 में जो हुआ है चौसा का युद्ध हुआ था, और 1540 में जो हुआ ये कौन सा युद्ध हुआ था, तो ये बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक ना साथियों। इसमें किसी तरह हिमायू अपना प्राण बचाकर किसी भिस्ती की मदद से बचकर निकल गया था, लेकिन बाद में 1540 में जब हारा तो उसे भारत छोड़कर भागना पड़ा था, ठीक। कहता है अली गौहर का बिहार खोज यात्रा किस वर्ष समाप्त हुआ, अली गौहर जो कि क्या था, मुगल बादशाह था,
ठीक ना। तो इसका बिहार खोज यात्रा कब समाप्त हुआ था? सही जवाब जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में भी आप लोग बता सकते हैं कुछ कुछ जवाब। ओके, तो सही जवाब है आपका 1764 में। कब? 1764 में। 1764 में ही कौन सी लड़ाई हुई थी? तो बक्सर की लड़ाई हुई थी। ओके, और जिसमें क्या हुआ था? अलीगढ़ जो शाह आलम द्वितीय के नाम से, अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद इसका जो नाती था, जिसको हम लोग नवासा कहते हैं, ग्रैंड सन कहते हैं, वही बना था। उसका नाम क्या था? सिराजुद्दौला। क्या नाम था? सिराजुद्दौला। कितने साल में बना था? मात्र 23 साल के एज में बना था। ओके, कथा उपरोक्त में से कौन? कथा द हाइएस्ट पार्ट ऑफ रामनगर दून इज, रामनगर दून के हाइएस्ट पॉइंट क्या है? तो सोमेश्वर का किला है। इसका ऊंचाई कितना? 800 लगभग 76 मीटर है, 876 मीटर के आसपास है रामनगर, सोमेश्वर फोर्ट रामनगर दून का। ओके साथियों, ये कहाँ स्थित है? ये शिवालिक का भाग है और पश्चिम चंपारण में स्थित है। फागु चौहान किस तारीख को बिहार के राज्यपाल बने? वैसे तभी बिहार के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र प्रसाद आदरेकल है, लेकिन फागु चौहान कब बने थे तो आपको ये बताना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका सही जवाब है 29 जुलाई 2019 को बने थे। अभी जो हमारे ये है, इनका संबंध कहाँ से? गोवा से। कहाँ से? गोवा वाले 20 से आए हैं। बिहार में तराई क्षेत्र का विस्तार है? बिहार में तराई क्षेत्र का विस्तार कहाँ है? भारत नेपाल सीमा के समानांतर है। तराई क्षेत्र का विस्तार कहाँ है? बिहार में, भारत। ओके, अगला सवाल है साथियों, बिहार में यद्यपि 1952 में जमींदारी को वैधानिक रूप से समाप्त कर दिया गया, फिर भी भूमि नियंत्रण का सामाजिक आधार किसकी चपेट में रहा? ये चपेट में रहा साथियों शेड्यूल ट्राइब, नहीं शेड्यूल कास्ट नहीं, डोमिनेटेड कास्ट हिंदू। डोमिनेटेड कास्ट हिंदू मतलब जैसे भूमिहार हो गया, ब्राह्मण हो गया, यादव हो गया, मरवाड़ी हो गया, इन लोगों के पास क्या रहा? ज्यादा भूमि रहा। उत्तर बिहार में निम्नलिखित में से किसके लिए सबसे प्रसिद्ध है? तो उत्तर बिहार में बाढ़ बहुत भयंकर आता है, भयंकर बाढ़ आता है, आपको पता है कोसी नदी उत्तर बिहार में बहती है, जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं। थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन कुछ हल्के भी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार का सबसे बड़ा शहर है? बिहार का सबसे बड़ा शहर एकमात्र मेट्रोपोलिटन सिटी है पटना, ये तो कोई भी बता सकता है, नोबडी कंफ्यूज अबाउट इट। वेयर इज द तेलियार वाटरफॉल लोकेटेड इन बिहार? तेलियार वाटरफॉल कहाँ है? तो क्या इसमें कोई डाउट है? नहीं, जो बच्चा बिहार स्पेशल की तैयारी कर रहे हैं उन सबों के लिए सब क्वेश्चन क्या है? चटनी है, चटनी। तेलियार वाटरफॉल कहाँ है? कैमूर में। तेलियार वाटरफॉल कहाँ है? कैमूर में। निम्न से किसके कारण बिहार राज्य में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? बिहार में गरीबी रेखा से नीचे की सबसे अधिक संख्या जो है, क्या लगता है आपको क्या होने वाला है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, एकदम सही सोच रहे हैं आप लोग, ऑफिसर बनने वाले हैं, बिल्कुल बनेंगे, बस चैनल को दबा। भूमि सुधार की विफलता, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, बड़ी संख्या के श्रमिक वर्ग और बाढ़, इन सबों के कारण है, इसलिए आप लोग सही जवाब सोच रहे थे ही। बिहार में प्रमुख खाद्यान्न फसल है? बिहार में प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? तो डोंट वरी, अभी बता रहे हैं, बताइए कौन सा बिहार में प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? तो बिहार में प्रमुख खाद्यान्न फसल है चावल, गेहूं और मक्का। चावल, गेहूं और मक्का। बिहार के राज्य की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? बिहार राज्य की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? तो आपको पता है शुगर केन। ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में जी पूछा गया है, बहुत क्वेश्चन दमदार था बीपीएससी टीआरई का, आप एक बार उसको भी देख कर जाइएगा। बिहार का कौन सा शहर पांच पहाड़ियों से घिरा हुआ है? बिहार का कौन सा शहर पांच पहाड़ियों से घिरा हुआ? तो पांच पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर है राजगीर, इसीलिए तो राजगीर को पहले क्या बनाया गया था? मौर्यों का राजधानी बनाया गया था, ठीक ना साथियों, एकदम इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। दबा के लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, सर्विस क्लासेस केजीजी को, ऐसे दमदार वीडियो आते रहेंगे, एग्जाम तक आपका साथ देते रहेंगे। बिहार का प्रथम रामसर स्थल कहाँ घोषित है? बिहार का प्रथम रामसर स्थल बेगूसराय में है, इसका नाम क्या है? कांवर झील है। किससे बना है कांवर झील साथियों? गंडक नदी के विसर्जन में बना है। ये कैसा झील है? गोकुर झील है। ओके साथियों, आजादी के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? जो सब जानता है आजादी के बाद भारत के पहले बिहार के पहले राज्यपाल थे जयराम दौलत राम दास। ओके, कथा निम्नलिखित में जनजातियों और जिले के युग में कौन सा सही नहीं है? तो मुंडा जमुई में रहता है क्या? बताइए। तो बिल्कुल सही, मुंडा जमुई में रहता है। ओके साथियों, नहीं रहता है मुंडा जमुई में, मुंडा जाति बिहार में, उसे संथाल, बांका, उरावन, सुपौल और खानवार भागलपुर। और ये पता है आपको, खानवार भागलपुर और कटिहार में रहता है, कटिहार में। और इसका 15 सदस्य टीम जो है किससे मिल चुका है? द्रौपदी मुर्मू से मिल चुका है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। और मुंडा जो जाति है ये थोड़ा बहुत कहाँ है? गया के पास है, नहीं तो ये भागलपुर में मिलती है, ठीक ना साथियों। निम्नलिखित खनिज और जिले के युग में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित है चूना पत्थर, कैमूर, बच्चा बच्चा जानता है सही सुमेलित। अबरक, क्या अबरक भागलपुर में मिलेगा? ओहो भैया, क्या सोच रहे हो आप? जो भी सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो, आप ही लोग तो ऑफिसर बनेंगे, इतना अच्छा आप लोगों का जवाब आ रहा है, दिमाग आप लोगों का इतना अच्छा चल रहा है। बस एक ही सुमेलित है, सही सुमेलित ही पूछा जा रहा था, बाकी अबरक भागलपुर नहीं है, कोटा जाट मधुबनी नहीं है, सोना गया नहीं है। सोना कहाँ मिला है? जमुई के अंदर मिला है।
ओके, जमुई के अंदर मिला है, क्वार्टर जाइट कहाँ मिलता है, भागल अबरक कहाँ मिल रहा है, अबर अबरक गया, कोडरमा घाटी, विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ एंशियंट महाजनपद मगध, मगध का पहला महाजनपद का कैपिटल क्या था, तो वो राजगिर ही था, राजगिरना था, उसके बाद में क्या बना साथियों, पाटलिपुत्रा बना, बाद में क्या बना, पाटलिपुत्रा बना। यू हैव, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स, ऑफिसर्स मेक्स ऑफिसर्स, वी मेक द ऑफिसर्स बिकॉज सर्विस क्लासेज इज ए वेरी डेडिकेटेड क्लासेज फॉर द टीचिंग एप्रियंस, बीपीएससी एप्रियंस एंड द दरोगा। ओके, स्वामी सहजानंद सरस्वती में से किससे संबंधित है, स्वामी सहजानंद सरस्वती किससे, तो बिहार में किसान आंदोलन से भी संबंधित थे, बिहार में आदिवासी नहीं, बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, और इन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना भी की थी। ओके, चंपारण में नील किसानों की दुर्दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था, ये तो एक राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र शुक्ल थे ही, राजकुमार शुक्ल थे ही, और एक साथ में एक और व्यक्ति था, उनका नाम कोई मुस्लिम था, उनके बारे में हम लोग हाल ही में हम पढ़े थे, तो यहाँ तो वही होगा, लेकिन इनके साथ एक और थे, उनका नाम नहीं है लेकिन मुझे पेट के अंदर है, मुंह में भी नहीं, बाहर नहीं आ रहा है। विच टाइटल वॉज गिवेन टू जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण को कौन सा टाइटल दिया गया, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण, और लोकमान्य जन बाल गंगाधर तिलक, और राष्ट्र नायक, राष्ट्र नायक किसे कहा गया, तो दे उसके उसके बाद फाय राजा हिताचू, ये किसे कहा गया। हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे, श्री कृष्ण सिंह। ओके साथियों, कहता है बिहार में बहने वाली नदी में से कौन सी नदी उत्तर की ओर बहने वाली नदी है, तो उत्तर की ओर बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, इनमें से कोई नहीं, कोई भी नदी यहाँ जो है उत्तर की ओर नहीं बहती है, सभी नदी क्या बहती है, दक्षिण की ओर बहती है, उत्तर की ओर बहने वाली नदी जो है वो सोन है, सोन नदी क्या है वो ऑप्शन में नहीं है साथियों। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स। कहता है भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीबीआई क्वेश्चन, इस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके साथियों, तो बिहार भागलपुर में सत्याग्रह का, नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह कब हुआ था, 1930 के अंदर हुआ था, सबने सत्या सबने अवज्ञा आंदोलन के तहत हुआ था साथियों। और बिहार में इसका नेतृत्व किसने किया था, तो बिहार में इसका नेतृत्व किया था महादेव, महादेव लाल सराफा, महादेव लाल सराफा ने किया था। ओके साथियों, याद रखना है। उसके बाद कहते हैं बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी से आच्छादित है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र अलुवेली जलोढ़ मिट्टी से संचालित है, और बिहार में लगभग कितना परसेंट, 94% भाग क्या है, 94% भाग सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है। तो निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वेस्ट चंपारण में, जिसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, आपको पहले पढ़ा दिए हैं। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है, आधुनिक बिहार का निर्माता मिला जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को, क्योंकि बिहार की मांग सर्वप्रथम किन्होंने किया था, सच्चिदानंद सिन्हा ने ही किया था। ओके साथियों, थोड़ा क्वेश्चन फास्ट इसलिए करना होगा, समय कम है। भारत में बिहार का कब एक अलग प्रांत बना, तो भारत बिहार का अलग प्रांत एक बार 1911 में बन गया था, फिर घोषणा 1911 में हुई थी, लेकिन पूरी तरह से बना था 1912 में, तो इस क्वेश्चन में डाउट है, लेकिन इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताएगा आपका भाई सर्वेश, तो इसका सही जवाब होगा 1912। देखिए घोषणा नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है बना, तो पूरी तरह से कब बना, 1912 में बना, 1 अप्रैल 1912 को कब बना। एक कहता है निम्नलिखित में से किस जिले में धारवार भू संरचनिक संरचना नहीं है, आपको पता है कि इस तरह से आपका प्यारा बिहार है। ओके, और यहाँ से गंगा नदी बह रही है, वो थोड़ा ज्यादा हो गया नीचे का साथ, तो यहाँ नीचे में जो है ये सभी क्या है, दुगो जिला छोड़ के रोहतास और कैमूर, रोहतास और कैमूर छोड़ के बाकी सभी जिलों में क्या है, धारवार क्रम की चट्टाने हैं, तो यहाँ देखिए रोहतास है, तो रोहतास हटा दीजिए, दो जिला छोड़ दीजिए, रोहतास और कैमूर में, इन दोनों में कैसे चट्टाने हैं, तो इस दोनों में जो है से वो सतपुरा की चट्टाने, सतपुरा पहाड़ी की चट्टाने हैं, तो सतपुरा या विंध्याचल की चट्टाने हैं, बाकी सबों में धारवार क्रम की चट्टाने हैं। ओके साथियों, बिहार लोकसभा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है वर्तमान में बिहार लोकसभा आयोग के अध्यक्ष कौन है, अतुल प्रसाद हैं। ओके, इससे पहले कौन थे, आर के महाजन थे, लेकिन सबसे पहले अध्यक्ष पूछा जा रहा है, आपको सही जवाब पता ही होगा, नहीं पता है ओ भैया ऐसे कैसे बनोगे बीपीएससी चेयरमैन, राजनधारी सिन्हा कौन थे, राज धारी सिन्हा, राजनंदन धारी सिन्हा। ओके, कहता बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में गंगा नदी का लंबाई सबसे अधिक है, ये बच्चा बच्चा जानता है, ये 67 थे बीपीएससी में पूछा है, 99 किलोमीटर पटना के अंदर है, कुल कितने राज्यों जिलों से होकर गंगा नदी बिहार में बहती है, तो 12 जिले से बहती है। ओके, और गंगा नदी सबसे कम किस जिले में है, तो सबसे कम है कटिहार जिले में। जीते की चाल बात की नजर, और सर्वे सर के कराए फैक्ट पे कभी शक नहीं करते। निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्र घने पर्णपाती वनों से आच्छादित है, मतलब अमंग द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट्स व्हिच वन
लार्ज एरिया अंडर डेंस डेसिडियस फॉरेस्ट कवर। तो कहां पर है साथियों डेसिडियस फॉरेस्ट कवर, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। आप लोग धुआं धुआं कर रहे हैं वेस्ट चंपारण में। कहता है 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह, अंबारी सत्याग्रह मोस्ट इंपोर्टेंट है, नेतृत्व किसने किया था सभी जानते हैं, इसका नेतृत्व किसने किया था राहुल संकतियान ने कहा था। अंबारी सत्याग्रह कहा हुआ था, गया की तरफ हुआ था। ओके साथियों, तेरी बातें मुझे यूं नहीं हंसा सकती है, तेरी बातें मुझे यूं नहीं हंसा सकती है, मैं अभी जीवन के उस दौर से गुजर रहा हूं जो मुझे ही बनाना है, दौर खराब है। पटना युवक संघ की स्थापना कभी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पटना युवक संघ की स्थापना किसने की थी राजेंद्र प्रसाद ने की थी, ये सब आपको कौन बताएगा। और ये स्थापना हुई थी 1927 में पटना युवक संघ की। विच कंपनी एस्टेब्लिश इन फैक्ट्री इन 1632 एट पटना बिहार, दिस कंपनी जे डच कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, दिस कंपनी जे डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके साथियों, डियर फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 49 क्वेश्चन, वी रीच द 50 इन हाफ सेंचुरी। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इफ यू वॉन्ट टू, इफ यू थिंक दिस क्लास इज हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन। पटना से मातृभूमि पत्रिका का प्रकाशन किसने किया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन, छपने वाले सवाल है। पटना से मातृभूमि पत्रिका का प्रकाशन एस एन सिन्हा, आर एन मधुलकर, मधुर राजेंद्र प्रसाद, विच हु पब्लिश द मदरलैंड। तो मदरलैंड पत्रिका आपको पता है, बिल्कुल सही पता है आपको, मजरूल हक ने मदरलैंड पत्रिका का प्रकाशन किया था। और ये कहां से कर रहे थे, ये कर रहे थे सदाकत, सदाकत, सदाकत आश्रम से, सदाकत आश्रम से। ओके, कहता पटना साहिब निम्न में से किस सिख गुरु से संबंधित है, पटना साहिब गुरु गोविंद सिंह, गुरु के दसवें गुरु, दसवें गुरु का जन्म हुआ था पटना साहिब में। ओके, इनकी माता का नाम गुजरी देवी था, ठीक ना साथियों। कहता है मंडल डैम प्रोजेक्टेड इज बिल्ट इन विच रिवर, मंडल डैम किस रिवर पर बने, तो मंडल डैम, मंडल, मंडल मिश्र कहाँ के थे, कोसी क्षेत्र के, सहरसा क्षेत्र के। और मंडल कहाँ मिलेगा, कोसी में बनेगा। इफ यू हैव ए बिहार बिलोंगिंग, बिलोंग टू बिहार, यू क्लियर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इजिली। ओके, आप बिहार के हैं और आपने कभी बिहार घूमा है और बिहार को जानते हैं, जिस प्रश्न को आप ऐसे फूंक दीजिए, धुआं धुआं कर दीजिएगा। कहता इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार राज, क्या है, राजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेट, राजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है साथियों। तो बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं आप, नवादा के अंदर है। बिहार में निम्न में से कौन सा जिला बाढ़ प्रबंध नहीं है, तो बाढ़ प्रबंध कौन सा जिला नहीं है बिहार में, ये जो गया जिला है, गया और औरंगाबाद, ये बाढ़ प्रबंध जिला नहीं है, इसलिए जवाब आपका क्या होगा, ई होगा, ई होगा, जवाब क्या होगा, ई होगा। उसे तो ई नंबर ऑप्शन रहेगा नहीं, लेकिन यहाँ है तो हम उसके हिसाब से कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं, ठीक है साथियों। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ई ऑप्शन उसे भी 50 में, 150 में मात्र 10 होता था, कोई दिक्कत नहीं है। योर सेल्फ शासक द लास्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर वैली हु वाज एक्साइल्ड टू बिहार बाय द मुगल एम्पायर अकबर वाज बरीड इन, तो वो कहा रहे थे बरीड। तो ओके, इसका सही जवाब क्या है साथियों, 55 का, बिल्कुल सही जवाब है नालंदा, कहाँ था, नालंदा में। डीप नारायण सिंह म्यूजियम इन विच डिस्ट्रिक्ट, डीप नारायण सिंह म्यूजियम किस डिस्ट्रिक्ट में है साथियों, तो डीप नारायण सिंह म्यूजियम जो है ये आपको कहाँ है, तो ये आपको है वैशाली डिस्ट्रिक्ट में, किस डिस्ट्रिक्ट में, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में, डीप नारायण सिंह म्यूजियम इन वैशाली डिस्ट्रिक्ट। ओके, नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला चक्रवाती क्षेत्र नहीं है, मतलब चक्रवाती तूफान कहाँ नहीं आएगा। आपको पता है कि जो क्षेत्र अरब सागर के नजदीक होगा, ये आपका प्यारा बिहार है मान लीजिए, थोड़ा सा इस तरह से, अब मान लीजिए ये बिहार है, जो इधर क्षेत्र होगा ये चक्रवात नहीं, क्योंकि इधर तो चक्रवात आएगा। ये देखिए आपका बेगूसराय है, अररिया है, नवादा भी थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन बक्सर, बक्सर एकदम यहाँ है, कैसे होगा बक्सर और नवादा, इसका जवाब क्या होगा बताइए, क्या इसका जवाब, बस इसका जवाब तो बक्सर होगा, और बक्सर और नवादा क्या है, चक्रवाती क्षेत्र नहीं है, ठीक ना साथियों। इसका जवाब क्या हो जाएगा, ये वैसे नवादा तो यहाँ थोड़ा बहुत आ भी सकता है, लेकिन बक्सर में बिल्कुल भी नहीं आएगा। ओके, बिहार में सर्च लाइट अखबार के संस्थापक कौन थे, बिहार में सर्च लाइट अखबार के संस्थापक थे कौन सा साथियों, मुरली मनो मोहन प्रसाद, बिहार में सर्च लाइट पत्रिका के मुरली मोहन प्रसाद थे। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोली में लगने से कितने छात्रों की मृत्यु हो गई, 11 छात्रों की मृत्यु हो गई। ओके साथियों, इन 11 छात्रों का नाम भी आपको याद होना चाहिए। कहता बाय हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वाज पटना डिस्ट्रिक्ट बॉन्डेड, पटना डिस्ट्रिक्ट तो पता है बिहार के सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला जिला है पटना, कुल 9 जिलों के साथ सीमा साझा करता है पटना, ठीक ना। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्किंग इन 67th BPSC एग्जामिनेशन। ओके, हर साल 22 मार्च को मनाया जाने वाला बिहार दिवस का क्या महत्व है, तो इस दिन राज्य का पुनर्गठन आयोग, नहीं,
12वीं शताब्दी में मुस्लिम नहीं, 1837 में नहीं, उसके बाद क्या था, ये सबसे पहला है कि 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार का अलग होने की स्मृति में, बिल्कुल सही है, यही सही है, 61 का ही है। ओके साथियों, नाउ कम्स टू द 62, चंपारण आंदोलन के समय बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कौन थे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसी तरह के प्रश्न छपते हैं, VVI प्रश्न है। बताइए, आपको पता है कि इसने ही गांधी जी को चंपारण में घुसने से रोका था, लेकिन गांधी जी फिर भी घुस गए और उनको बोला जुर्माना दीजिए छोड़ देंगे, लेकिन गांधी जी ने जुर्माना भी नहीं दिया था, तो बिल्कुल सही पकड़े हैं। ये समय थे एडवर्ड एल्बर्ट गिल्ट, एडवर्ड एल्बर्ट गिल्ट। निम्न में से किस वर्ष में हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु शुरू किया गया, बिहार बंधु की शुरुआत कब हुई थी साथियों, 863 नंबर क्वेश्चन, बिहार बंधु की शुरुआत कब हुई थी, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, ये हुआ थी 1872 में बिहार बंधु। ओके साथियों, वैसे बिहार के पहले समाचार पत्र कौन थे, बिहार हेराल्ड। ओके, मुंगेर में बरैया ताल प्रतिरोध का उद्देश्य क्या था, बकास भूमि की बहाली की मांग, बकास भूमि का मतलब यह है वैसी भूमि जो क्या है, नदियों के आर पार चले जाते, किसान खेती नहीं करते, खाली रहते, तो जब अंग्रेजों ने उसे कब्जा कर लिया तो उसी के लिए क्या हुआ, राहुल संगतियान के नेतृत्व में बड़ैया ताल आंदोलन हुआ। मुंगेर का बड़ैया ताल जो है एक बहुत बड़ा ताल है, यहाँ पर किसकी खेती सर्वाधिक होती है, तो दलहन की। ओके, केरल केवाल मिट्टी बिहार के किस जिलों में बहुत आयात में पाया जाता है, केरल और केवाल मिट्टी, केरल और केवाल मिट्टी किसे कहते हैं, जिसमें मोटे मोटे कंकर पाए जाते हैं, और ये मिट्टी कहाँ पाई जाएगी। ओके, तो ये मिट्टी पाई जाएगी आपके रोहतास में, केरल और केवाल मिट्टी कहाँ पाई जाएगी, रोहतास के अंदर पाई जाएगी। ओके, अगला सवाल है, निम्न में से किस आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स ने पटना का दौरा किया था, तो पटना का दौरा जब प्रिंस ऑफ वेल्स कर रहे थे तो ये आंदोलन 1925 का समय था। ओके, तो ये कब होगा, आपको बताया कि प्रिंस ऑफ वेल्स के नाम पे बहुत सारा म्यूजियम कॉलेज वॉलेज भी बना था, जिसको आप लोग PW कॉलेज के नाम से जानते होंगे। ओके, 66 का। ओके, तो इसका सही जवाब क्या है, असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में, ठीक ना। कहता डालमिया नगर ऑफ बिहार इज फेमस फॉर, डालमिया नगर इज बिहार इज फेमस फॉर सीमेंट। ओके, उसके बाद पाड्री की हवेली जो आज कंस्ट्रक्टेड इन विच वेल, पादरी की हवेली सबसे पहले है कहाँ, तो पटना के अंदर है, और किस साल बनाया गया था पादरी की हवेली। ओके, तो बिल्कुल सही, 1713 ईस्वी में पादरी की हवेली 1713 ईस्वी में बनाया गया था, और आपको पता है 1713 ईस्वी में फर्रुख सियर ने क्या किया था, अंग्रेजों को स्वर्णिम फरमान दिया था, क्या दिया था, गोल्डन गोल्डन फरमान दिया था। ओके साथियों, इन बिहार वेयर इज मखदूम कुंड लोकेटेड एट, तो मखदूम कुंड बिहार में कहाँ है, तो मखदूम कुंड नाम से जैसा क्लियर है, आपको पता है मखदूम कुंड कहाँ है, नहीं पता है तो लिख लीजिए ना, राजगीर में, मखदूम कुंड कहाँ है, राजगीर में। ओके साथियों, कोपेन वर्गीकरण के अनुसार बिहार के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस रूप में वर्गीकृत किया गया है, कोपेन के अनुसार बिहार को जो है ये किस रूप में वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकृत किया गया है साथियों, आइए देखते हैं, तो कोपेन के दौरान बिहार को AW और CW के रूप में भी वर्गीकृत किया गया। ग्रेनाइट इज नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, ग्रेनाइट किस डिस्ट्रिक्ट में बिहार में नहीं पाया जाता है, तो बच जाइए, आप बता सकते हैं, बताइए बताइए बताइए, 671 का। ओके, सही जवाब है, मुंगेर में ग्रेनाइट नहीं पाया जाता है। ओके साथियों, पता है सप्तपर्णी कैब इज लोकेटेड एट, सप्तपर्णी गुफा बिहार में कहाँ है। ओके, सप्तपर्णी कैब बिहार में कहाँ है, तो सप्तपर्णी कैब बिहार में राजगीर में, बराबर की गुफाएं भी कहाँ है, राजगीर में। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज सिचुएटेड इन बिहार, अनुपम लेक बिहार में है। ओके, और ये अनुपम लेक बिहार में कहाँ है, तो कैमूर जिले में है, सांबर लेक राजस्थान में, सुखना लेक चंडीगढ़ में, कामा लेक कहीं और है, तो ये अनुपम लेक होगा। ये क्वेश्चन भी क्या है, 67th BPSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहता है वेयर इज खुदीराम बोस स्टेडियम लोकेटेड, खुदीराम बोस का स्टेडियम कहाँ होगा, आपको पता है खुदीराम बोस की घटना कहाँ से संबंधित थी, 1908 में खुदीराम बोस ने कहाँ पर किंग्सफोर्ड में बम फेंका था, तो बिल्कुल सही पकड़े हैं, मुजफ्फरपुर में, तो जवाब क्या होगा, मुजफ्फरपुर होगा। ओके, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना आपको पता है कुमार गुप्त ने की थी, तो किस पीरियड में होगा, गुप्ता पीरियड में। विच वन इज लोकेटेड ऑन नेशनल हाईवे 2 NH2, नेशनल हाईवे 2 पे कौन कौन लोकेटेड है, आपको पता है नेशनल हाईवे 2 को अभी क्या कहा जाता है, ग्रैंड ट्रंक रोड, कभी इसी को कहा जाता था। ओके, तो इसका सही जवाब क्या है, तो ये भी है, औरंगाबाद भी है, सासाराम भी है, मोहनिया भी है, डेरी भी है, तो ऑल ऑफ दिज होगा इसका जवाब, यानी कि एक में से सभी, ऑल ऑफ दिज। ओके साथियों, वेयर इज खुदीराम बोस स्टेडियम लोकेटेड इन, खुदीराम बोस का स्टेडियम कहाँ है, तो इसका पता है ये आपको कहाँ है, ओके। कहता हजारीबाग में बिहारी छात्र सम्मेलन का एक 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था,
हजारीबाग में बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कब हुआ था साथियों? ये हुआ था 1921 में, बिहारी छात्रों का 16वां अधिवेशन। कहता है किस शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था? पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपनी राजधानी किसने बनाया था? समुद्रगुप्ता ने, या चंद्रगुप्त प्रथम ने, या अशोक ने, या निकोटस ने? तो इसका जवाब सही जवाब होगा ए एंड बी, दोनों ने, चंद्रगुप्ता और समुद्रगुप्त दोनों का राजधानी था। ओके, द ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन हेडक्वार्टर इज, ईस्ट सेंट्रल रेलवे पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ? हाजीपुर में है। महिला आंचल किसका रहते हैं? महिला आंचल जो है फणीश्वर नाथ रेणु का है। फणीश्वर नाथ रेणु का संबंध कहाँ से? अररिया से है, अररिया जिले से फणीश्वर नाथ रेणु जी का संबंध है। बिहार के समाचार प्रमुख समाचार पत्र बिहार के संपादक कौन थे? बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहार के संपादक कौन थे? देखिए साथियों जल्दी से जल्दी जल्दी जवाब देना है, चीते की चाल बाज की नजर और गोली की रफ्तार से जवाब आनी चाहिए। ओके, 82 का सही जवाब क्या है? डी है, बाबू महेश्वर प्रसाद। ओके ठीक ना, अगला क्वेश्चन है विच डिड वेयर डिड बुद्धा स्पेंड द लास्ट रेनी सीजन ऑफ द लाइफ इज लाइफ, बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा काल कहाँ बिताया था? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ये क्वेश्चन 67 बीपीएससी में पूछा गया है। बताइए आपको इसका सही जवाब पता ही होना चाहिए, नहीं पता है तो आपने प्रीवियस ईयर अच्छे से नहीं किया है, आपको प्रीवियस ईयर करना चाहिए था। ओके साथियों क्या हुआ, करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? करना चाहिए था ना। 12 वैशाली में कहा, तो बुद्ध ने अपना जो है आखिरी वर्षा काल वो कहाँ बिताया था? वैशाली के अंदर बिताया था। वेयर इज द फर्स्ट जैन काउंसिल, पहला जैन काउंसिल कहाँ हुआ था? पहला जैन काउंसिल पाटलिपुत्रा में, दूसरा जैन काउंसिल कहाँ हुआ था? बल्लभी गुजरात में हुआ था। ओके बंगाल में क्या किस शासक ने विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी, किसने की थी? धर्मपाल ने। वेयर इज द तेलियार वाटरफॉल सिचुएटेड, तेलियार वाटरफॉल कहाँ है? कैमूर में है, कैमूर में है कि रोहतास में है, बताइए। तो कैमूर में ही है, तेलियार वाटरफॉल कहाँ? कैमूर में। कहता है बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, किशनगंज, अररिया, तो ये सभी जिला सीमा साझा करते हैं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। कितने जिला सीमा साझा करते हैं? 7 जिला सीमा साझा करते हैं, 2 जिला और कौन है? सीतामढ़ी और मधुबनी। ये क्वेश्चन क्या था? बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहार के संपादक कौन थे? तो आपको बता दिए थे बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहार के संपादक कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद। बाबू महेश्वर प्रसाद ने बिहारी पत्रिका का क्या क्या संपादन किया था? बिहारी पत्रिका, बाबू महेश्वर प्रसाद। ओके, बिहार के कोजागरी उत्सव किस महीने मनाया जाता है? बिहार में कोजागरी उत्सव किस महीने मनाया जाता है? ओके सही जवाब आप सोच चुके होंगे, आश्विन महीने में। किस महीने मनाया जाता है? आश्विन महीने में, यानी कि दिवाली से पहले। बिहार के किस क्षेत्र में पुरापाषाणकालीन स्थलों की खोज की गई है? बिहार के पुरापाषाणकालीन स्थलों की खोज की गई है मुंगेर में, नालंदा में। ओके, और कहाँ किया गया है? तो मुंगेर और नालंदा दोनों जगह किया गया। जवाब क्या होगा? हु अमंग निम्नलिखित में से कौन बिहार के किसान आंदोलन से जुड़ा था? बिहार के किसान आंदोलन से कौन जुड़े थे? तो मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह, सी आर दास, नहीं राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद हल्का फल्का जुड़े हुए थे, तो जवाब क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद ही होगा, और कोई है नहीं। कहता इनमें से कौन सी फसल बिहार की मुख्य फसल के अंतर्गत नहीं आती है? बिहार के राइस है, व्हीट है, शुगर केन मुख्य फसल नहीं है, ये क्या है? नगदी फसल है। कहता बिहार के किस नदी ने वर्ष 2008 में अपना मार्ग बदलकर अपना आपदा भयंकर आपदा लाया? तो कोसी, बिहार का शोक। वेयर इज बिहार अर्थ डे सेलिब्रेट, बिहार में बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपको छपेंगे एग्जाम में, हू बहू आएंगे। सही जवाब है आपका 9 अगस्त को। ओके, बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। आप लोग कमेंट देख लीजिए इसका सही जवाब कब है। डाउट वाले क्वेश्चन अगर कोई लग रहा है आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा फटाफट। होकर का भी निम्नलिखित में से कौन बिहार में चंपारण आंदोलन से संबंधित था? बिहार में चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित है? ये आपका होगा जेबी कृपलानी, अनुराग नारायण सिंह, नरहरी पारिक, रामनवी प्रसाद, सभी शामिल थे। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का गठन कब किया गया? बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का गठन कब किया गया? 1 अप्रैल 1958 को, 1 अप्रैल 1958 को। निम्न से कौन सा एक अलग बिहार प्रांत के आंदोलन की शुरुआत थी? तो शुरुआत किया था, तो ये क्या था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, और सी महेश महेश नारायण ने भी किया था, तो महेश नारायण और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा दोनों को देख सकते हैं। तो इस बार तो वैसे 5 ऑप्शन रहेगा नहीं। बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक
सोसाइटी की स्थापना किसने की? बिहार राज्य मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? ये क्या था? सैयद इमाद अली ने, सैयद इमाद अली ने बिहार राज्य मुजफ्फरपुर में साइंटिफिक सोसाइटी का स्थापना। कहता वेयर आर द हॉट स्प्रिंग फाउंड इन बिहार? हॉट स्प्रिंग गर्म जलकुंड कहाँ पाया जाता है? गर्म जलकुंड मुंगेर में भी पाया जाता है। ओके साथियों, व्हेन डिड क्या है एनआई बेसेंट कम टू पटना? कब आया था पटना एनी बेसेंट? ओके एनी बेसेंट पटना कब आई थी? एनी बेसेंट पटना कब आई थी साथियों? ओके तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। आप लोग धुएं की 18 अप्रैल 1918 को एनी बेसेंट पटना आई थी। इस समय एनी बेसेंट किसका काम कर रही थी? होम रूल लीग का काम कर रही थी। हु वाज द फाउंडर ऑफ उज्जैन डायनेस्टी इन भोजपुर? उज्जैन डायनेस्टी जो भोजपुर में था उसका फाउंडर कौन था? हम लोग शतक लगा चुके हैं 101 पे हैं, तो इसका फाउंडर था संतन सिंह उज्जैन डायनेस्टी का। ठीक है, पटना सिटी वाज द सेंटर ऑफ विच रिवेलियन इन 1830 में किसका रेन था? तो वहावी आंदोलन का। वहावी आंदोलन के नेता कौन थे? सैयद अहमद वहाब। ओके ठीक ना, कोई समस्या हो तो कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। कहता है पटना में गोलघर का निर्माण किसके काल में हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गोलघर का निर्माण किस लिए किया गया था? अनाज को रखने के लिए किया गया था। और किसके शासन काल में किया गया था साथियों? ये शासन काल था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस का। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन काल में किया गया था, 1773 के आसपास किया गया था। ओके साथियों, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ बिहार? बिहार का संपूर्ण एरिया क्या है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। ओके साथियों, ये सभी जानता है, इसको क्या याद करना। बता रहे सबने अभी क्या आंदोलन दौरान बिहार के किस जिले में जेल के कैदियों ने नग्न हड़ताल की? तो छपरा जेल का। ओके, विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मगध ड्यूरिंग क्या शिशुनाग डायनेस्टी के समय जो मगध की राजधानी थी वो क्या थी? तो शिशुनाग डायनेस्टी से राजगीर भी थी और बाद में जो है कुछ समय के लिए वैशाली भी बनी थी। तो राजगीर और वैशाली दोनों शिशुनाग डायनेस्टी कालाशोक राजधानी कुछ समय के लिए वैशाली भी ले गया था, जहां उसने क्या किया था? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। ओके, बता बिहार के अपरिष्टता विरोधी आंदोलन को संचालित करने के लिए बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना की गई थी साथियों 1932 में। अगला सवाल है, हु डिजाइन द टॉम ऑफ शेरशाह सूरी? शेरशाह सूरी के मकबरे जिसे कनिंगम ने ताजमहल से भी सुंदर कहा है, उसका डिजाइन कौन किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में छपते हैं। सही जवाब है मीर मोहम्मद अलीवल खान। ओके, मीर मोहम्मद अलीवल खान ने शेरशाह सूरी का मकबरा जो कि कहाँ है? सासाराम के अंदर है। ओके, और इसकी खोज किसने की थी? तो कनिंगम ने की थी। कनिंगम को बिहार के पुरातात्विक जगत का क्या कहते हैं? पिता कहते हैं। फर्स्ट बैंक एस्टेब्लिशमेंट इन बिहार वाज? बिहार में पहला बैंक जो स्थापित हुआ था उस बैंक का क्या नाम था? बिल्कुल सही, इलाहाबाद बैंक। बिहार का पहला जो बैंक था उसका नाम क्या था? इलाहाबाद बैंक। कहता कर्नाट डायनेस्टी रूल इन विच रीजन ऑफ बिहार? कर्नाट डायनेस्टी ने बिहार के किस रीजन में? तो ये मिथिला के क्षेत्र में जो है शासन किया था कौन? कर्नाट डायनेस्टी। ठीक, ओके, आपको पता है कि कर्नाट डायनेस्टी कहाँ शासन कर रही थी? मिथिला के रेंज में। ओके, कहता विच रूलर ऑफ बिहार वाज डिफीटेड बाय अल्तुतमिश नियर तालीगढ़ी? तो किस रूलर को हराया गया था बिहार के अल्तुतमिश के द्वारा? ओके ओके, आपका क्या? हिसामुद्दीन अलवाज। हु हैड फॉर्म्ड द रविदास सभा? रविदास सभा की स्थापना किसने की थी? ओके, तो संत रविदास ने रविदास सभा की स्थापना किसने? संत रविदास ने। निम्न से किस नेता ने बिहार के प्रत्येक जिले में सत्याग्रह शुरू करने की को सिफारिश की थी? बिहार के प्रत्येक जिले में सत्याग्रह सिफारिश शुरू करके राहुल संकतियान ने बिहार के प्रत्येक जिले में सत्याग्रह शुरू करने की सिफारिश की थी। ओके, 38 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज अरवल? बिहार का 38वां जिला कौन है? अरवल है। वेन वाज झारखंड फॉर? 15 नवंबर 2020 को झारखंड मना था। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जाता है। स्टेट वाइज क्या है कैपिटल पोजीशन ऑफ बिहार इन इंडिया इज? तो 12th कितना है कैपिटल पोजीशन कितना है? व्हाट इज द एक्सटेंडेड ऑफ बिहार स्टेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? नॉर्थ टू साउथ कितना है? तो नॉर्थ से साउथ जो है ये आपका 345 है और ईस्ट टू वेस्ट 483 है। ओके, ये नॉर्थ टू साउथ 345 और ईस्ट टू वेस्ट।
ओके एनी डाउट डियर स्टूडेंट डियर ऑफिसर्स प्लीज कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स. कहता द एवरेज हाइट ऑफ बिहार फ्रॉम सी लेवल इज द एवरेज हाइट ऑफ बिहार इज सी लेवल इज 173 फीट. कहता व्हाट इज द जोग्राफिकल पीरियड ऑफ रोहतास शाहबाद एंड औरंगाबाद. रोहतास शाहबाद एंड औरंगाबाद का कैसा रिकॉर्ड, ये विंध्याचल पीरियड है. किस पीरियड का चट्टान है, विंध्याचल पीरियड का चट्टान है. अंडरस्टैंड इफ यू हैव डाउट प्लीज कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स बिकाउज दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू for your preparation. Which valley is also known as Harha River Valley. The Dun Valley. Dun Valley is also known as Harha River Valley. Which of the following is are the hilly hills of plains of southern Bihar? The southern Bihar hills of the plain is which all? Ratnagiri, Parastila, Ramasila, पहाड़ी. ओके ऑल आर इन सिचुएटेड इन साउथ बिहार. ओके साथियों साउथ बिहार में सभी हैं. द टाल रीजन ऑफ साउथ बिहार इज सेपरेटेड फ्रॉम पटना टू मोकामा. ओके साथियों डियर फ्रेंड्स मेरी मोहब्बत तेरी जवानी. ओके विच ऑफ द फ्लोइंग इज फाउंड इन हिल्स ऑफ खड़गपुर हिल्स में क्या मिलता है. ओके तो खड़गपुर हिल्स में जो है ग्रेनाइट मिलता है, एलुमिनियम मिलता है. ओके साथियों और खड़गपुर पहाड़ी है कहाँ, तो मुंगेर के अंदर है. ठीक ना, बताइए सही जवाब कमेंट बॉक्स के अंदर नहीं बताइएगा. तो ये है ग्रेनाइट और एलुमिनियम. ओके बताए विच रिवर कम्स अंडर हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम. हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम का तेरे कौन आता है, तो बागमती आता है. बागमती सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन इज बिहार, सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन बिहार. बिहार के अंदर की दूसरी सबसे बड़ी नदी है बागमती. कहता है सरयू, कोसी, महानंदा एंड गंडक आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा. वाल्मीकि नगर बैरेज इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर. वाल्मीकि नगर बैरेज इज सिचुएटेड इन गंडक रिवर और बूढ़ी गंडक. विच रिवर इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन बूढ़ी गंडक एंड गंडक देन यू कॉन्टैक्ट में द रिजल्ट इज गंडक. ओके विच नेशनल हाईवे कनेक्टेड छपरा एंड गोपालगंज. छपरा इज द होम सिटी ऑफ लालू यादव एंड द गोपालगंज इज ससुराल. ओके 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 125 द राइट आंसर इज बी 85 NH 85. कहता विच इज ए सिल्क टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग सेंटर इन बिहार. एवरीबडी नो भागलपुर. The silk city of Bihar is Bhagalpur. Which is the highest in the world? Vishnu Shanti Stoop in Bihar. Vishnu Shanti Stoop in Bihar is situated in Rajgira. Where? Rajgira. Okay. If you have any doubt, please comment in comment box. If you have think this video is helpful you, please comment. Please support. Please like, subscribe, share. Your lovely friends and for your lovely brother service. When did railway started from first time in Bihar? If you know about the railway started in 1853 in the India, Mumbai to Thane, 34 kilometer in the Lord Dalhousie period. And in which period, when did railway started from the time of Bihar? Okay, the question, the answer is 130-160 to 162. This is a right answer, okay? 1862. Okay. The when was Kosi project started? Kosi project started in which years? Okay, question number 131. The right answer is 1954. Akbar merged Bengal and Bihar in his empire in 1580, 1560, 1576, 1572, 1566. Which was the right answer? Okay. Right answer is 1576. Okay, which dynasty ruled Magadha after Nanda dynasty? Which dynasty ruled Magadha after Nanda dynasty? After Nanda dynasty, which dynasty ruled in Magadha? Mauryan. Yes, the last ruler of Nanda dynasty is Ganananda, and Mauryan ruler Chandragupta Maurya defeated Ganananda by the help of Chanakya and B.A. first. सम्राट चक्रवर्ती सम्राट इन पटना. ओके मुजफ्फरपुर बम केस 98 तो किसने किया था, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस. ओके
अंडर विच डिविजन ऑफ बिहार देयर आर मिनिमम डिस्ट्रिक्ट देयर आर मिनिमम डिस्ट्रिक्ट इन भागलपुर ओनली टू डिस्ट्रिक्ट भागलपुर एंड बांका ओके बीबी विच इज डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया इन बिहार मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया इन बिहार इज कैमूर ओके इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स इफ यू थिंक दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर योर लवली फ्रेंड्स विच इज गोड़ा खोटरा लेक गोड़ा कटोरा लेक सिचुएटेड इन बिहार गोड़ा कटोरा लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार ओके 137 The right answer is, and this is a very important, this answer is in Nalanda. Gora Katora lakhs situated in Bihar in Nalanda. Raghunath Brahmachari Namak Krantikari kis jail ke the? Raghunath Brahmachari Namak Krantikari kis jail? Jile ke the, sorry. Raghunath, jo Brahmachari the, Krantikari the, ye kis jile ke the? Okay, aapka sahi jawab hai, Begusarai. Okay, Lord Mahavir was born at which place? Lord Mahavir ka janam kahan hua tha? लॉर्ड महावीर का जन्म बिहार में हुआ था व्हेन डिड महात्मा गांधी अराइव इन बिहार महात्मा गांधी बिहार कब आए थे 1917 में 1917 में कहता है हु फाउंडेड द भवानी टेंपल इन बिहार भवानी टेंपल बिहार में है उसकी स्थापना किसने की थी इसका सही जवाब है भूपेंद्रनाथ दत्त ने भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी भूपेंद्रनाथ दत्त ने बहुत से भवानी बीएच और बीएच दोनों याद रखना है हमेशा बाय व्हाट नेम इज जगजीवन राम नून जगजीवन राम को किस नाम से जाना जाता है बापूजी के नाम से जाना जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग इज मेनली रिलेटेड टू बिहार पन्नी पेंटिंग वर्ली पेंटिंग नहीं मधुबनी पेंटिंग द पेंटिंग इज ए मधुबनी पेंटिंग ओके मधुबनी पेंटिंग इज ऑल्सो नोन एज द बिहार पेंटिंग दिस इज ए वेरी फेमस इन बिहार मिथिला रीजन ओके इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले से मौर्य काल के महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं तो भागलपुर से भी मिले हैं साथियों पटना से भी मिले हैं तो इसलिए क्या होगा वन ऑफ द एबव होगा कहता है उसके बाद क्या है धारवाड़ रॉक इज फाउंड इन विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट इन बिहार बिहार में धारवाड़ रॉक कहाँ पाया जाता है तो मुंगेर नवादा राजगीर गया सबो में पाया जाता है ओके द राइट आंसर इज ए दिस क्वेश्चन इज ए पटना ओनली फॉर मौर्य काल के महत्वपूर्ण साक्ष्य कहाँ से मिले हैं पटना से मिले हैं भागलपुर बांका से नहीं मिला है उसके बाद ये धारवाड़ रॉक जो है सभी जिलों में सही है मंदार पर्वत जिसे मंदार हिल के नाम से भी जाना जाता है किस जिले में है तो आपको पता है बांका जिले में है मंदार उत्सव महोत्सव भी कहाँ होता है बांका में होता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार डज नॉट शेयर बॉर्डर ऑफ नेपाल नेपाल के साथ कौन शेयर नहीं करता है बॉर्डर तो ये मधुबनी करता है सीतामढ़ी करता है ईस्ट चंपारण करता है दरभंगा शायद नहीं करता ओके 157 बताइए सही जवाब क्या दरभंगा होगा बिल्कुल होगा बागमती नदी बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर भारत में प्रवेश करती है बागमती नदी जो कि बिहार की दूसरी सबसे लंबी नदी है किस जिले से होकर बिहार में प्रवेश करती है तो ये है आपका सीतामढ़ी जिले से ओके कोसी नदी किस जिले से प्रवेश करती है तो आपको कोता है कोसी सुपौल जिले से ओके इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज कॉन्टेक्ट मी ऑन टेलीग्राम इफ यू वॉन्ट टू पीडीएफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन प्लीज ज्वाइन टेलीग्राम द टेलीग्राम नेम इज सर्विस क्लासेस के जी जी 1857 के दौरान में से किस स्थान के जमींदारों ने कंपनी की मदद की थी हथुआ की पंडाल की बेहता की ऑल ऑफ दीज कहता है निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाने वाले श्रेणी है साथियों सोमेश्वर रेंज रामनगर दून कैमूर हिल्स कौन सी है 150 क्वेश्चन वी गेट द 1.5 सेंचुरी द राइट आंसर इज सोमेश्वर रेंज उच्चेश्वर नेल्थ इज ए टेम्पल ऑफ विच गॉड लोकेटेड इन मुंगेर इसका है भैया मुंगेर में स्थित है ओके क्या इस टेम्पल के पास से कोई हमारा वीडियो देख रहे हैं शिवा उच्च सनत विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द राइस बो ऑफ बिहार इज रोहतास डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो नोन एज द राइस बो ऑफ बिहार ओके वेयर इज द टिकारी किला लोकेटेड टेकरी किला लोकेटेड टेकारी किला कहाँ है ओके 153 राइट आंसर इज गया
टिकरी गया में है। वेयर इज लोमस ऋषि कैब लोकेटेड इन बिहार, लोमस ऋषि का कैब बिहार में कहाँ है, तो जहानाबाद, लोमस ऋषि का कैब बिहार में कहाँ, जहानाबाद के अंदर है। बोधगया शिलालेख किस शासक का है, ओके 155, बोधगया शिलालेख किसका है, ओके बुद्ध सेन धर्म का है। द कैपिटल ऑफ खान कानवा वाज एट, कानवा का कैपिटल क्या था, उज्जैन, क्या था, उज्जैन, ओके 156। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट ऑन 156 पार्ट। अच्छा कर्णव, सॉरी साथियों ये कर्णवंश पूछ रहा है, कर्णवंश का राजधानी था पाटलिपुत्रा, ओके कर्णवंश की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्रा थी। कण्वस है, कण्वस के एन बी एस कण्वस है, सॉरी ये कर्णवंश है, ओके। कहता है चारो डायनेस्टी रूल्ड ओवर विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, चारो डायनेस्टी ने बिहार के, चेरो डायनेस्टी रूल्ड ओवर विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, किस डिस्ट्रिक्ट पर शासन किया था चेरो डायनेस्टी ने, ओके तो ये है सारण, शाहबाद, चंपारण, मुजफ्फरपुर, ऑल ऑफ दीज, ओके। विच वॉज द थर्ड बौद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड, थर्ड बौद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड इन पाटलिपुत्रा इन द पीरियड ऑफ अशोका, पाटलिपुत्रा की पहली बार राजधानी के रूप में किस शासक ने चुना था, पाटलिपुत्रा को पहली बार राजधानी के रूप में उदयन ने चुना था, कब चुना, किसने चुना था, उदयन ने चुना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन में बिहार में, बिहार में कब हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन बिहार में कब हुआ था, सॉरी कब की जगह होना चाहिए, कब कहाँ हुआ था, ओके इसका सही जवाब है हरिपुरा में, बिहार में नहीं, ये हरिपुरा में हुआ था 1938 का अधिवेशन, बिहार हटा दीजिए बस, हरिपुरा याद रखिए, इसमें अध्यक्ष कौन बने थे, सुभाष चंद्र बोस बने थे, ओके। अतः बिहार में कृषि उत्पाद बाजार समिति का अधिनियम किस वर्ष निरस्त कर दिए गए, कृषि उत्पाद पर बिहार बाजार समिति का जो नियंत्रण है ये किस वर्ष, तो ये 2006 से क्या है, निरस्त है। गार्गी संहिता के अनुसार यवनों ने किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, तो गार्गी संहिता के अनुसार यवनों ने पाटलिपुत्रा पर किसके, तो पुष्प मित्र शुंग के समय में आक्रमण किया था, ओके। हमें बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी कहां से मिलती है, तो हमें बिहार में स्थित अंगुत्तर निकाय और विनय पीठक से, अगुंतर निकाय और भगवती सूत्र से मिलते हैं, बिना पीठक से नहीं मिलते हैं, तो सिर्फ यहाँ पर क्या होगा, अगुंतर निकाय ही राइट आंसर होगा, ओके। कहता है महावीर स्वामी फादर सिद्धार्थ वाज रिलेटेड टू, तो महावीर स्वामी के पिता जो है वो सिद्धार्थ, उनका संबंध कहाँ से था, तो उनका संबंध कहाँ से था साथियों, बिल्कुल सही आप सब लोग सोच रहे हैं, ओके उनका संबंध कहाँ से, बज्जी, बज्जी संघ से था, ठीक है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी, कौन सी गंगा नदी बिहार में दक्षिण से ओर बहने वाली नदी है, गंगा के दक्षिण कर्मरासा, सोन, पुनपुन, तो ये कर्मरासा और सोन और पुनपुन दोनों बहती है, इसका जवाब क्या है, दक्षिण की ओर, मतलब ऐसे दक्षिण नीचे की ओर, तो कोसियर भी तो ऐसे ही आता है ना, इस तरह से गंगा है, इस तरह से महानंदा सबसे लास्ट में आकर मिलती है। पता व्हिच इज क्या है, बरेलिया लेक सलीम अली सिचुएटेड इन बिहार, ओके सलीम अली जो है वो लेक कहाँ है, तो सही जवाब है आपका बी वैशाली में। कहता है, कहता है साथियों निम्न से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल की सीमा को नहीं छूता है, तो पश्चिम बंगाल कटिहार किशनगंज भागलपुर नहीं छूता है। कहता है विच ऑफ द मिनरल्स प्रोटेक्शन एज ए मोनोपोली इन बिहार, बिहार का किसमें, तो पायराइट में, पायराइट उत्पादन में बिहार का क्या है, मोनोपोली है, पायराइट सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है, बिहार के अंदर ही होता है, ओके। द मोस्ट फ्लड अफेक्टेड एरिया ऑफ बिहार इज ए नॉर्दर्न रीजन, क्यूर केनाल इज लोकेटेड इन विच रिवर, क्यूर केनाल विच रीजन, ओके द राइट रीजन इज गंडक रीजन। अतः विच रिवर फॉलो द वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट इन बिहार इज फॉलो इन बूढ़ी गंडक एंड गंडक, गंडक एंड बूढ़ी गंडक बोथ। वेयर इज
पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन बिहार, पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन बिहार इन गया, सॉरी नालंदा, नालंदा पंत सिचुएटेड इन नालंदा। बिहार में 1857 के विद्रोह शुरुआत में पटना का आयुक्त कौन था? जब विद्रोह शुरू हुआ था तो उस समय विलियम टेलर था, इसने मतलब बुलाया भी था किसको, कुंवर सिंह को पटना मिले, लेकिन वो मौलवी अहमतुल्ला के साथ हुए गद्दारी को जानते थे, नहीं गए थे। ओके, निम्न से कौन सा बिहार का एकमात्र जिला है जहाँ गांजा का उत्पादन होता है? गांजा, अफीम, अफीम का उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? 174 द राइट आंसर इज बी, बेगूसराय। कहता है मुंडा ट्राइब मोस्टली राइज इन, मुंडा ट्राइब ज्यादातर कहाँ रहता है? इस ऑप्शन के हिसाब से तो बिहार होगा, लेकिन अब बिहार में मुंडा नहीं रहता है, ज्यादातर कहाँ रहता है? झारखंड में रहता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, गया जिले के अवसाद शिलालेख से संबंधित जानकारी मिलती है? गया जिले में जो अवसाद शिलालेख है इससे किसकी जानकारी मिलती है? 176 पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी मतलब गुप्त काल, उत्तर गुप्त काल के बाद की जानकारी मिलती है, पोस्ट गुप्ता पीरियड। कहता है बिहार के पटना और गया जिले में किस महाजनपद का हिस्सा था? बिहार का पटना और गया जो है ये साथियों मगध महाजनपद का हिस्सा था पटना और गया। द मुंगेर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस बिलोंगिंग टू विच पाल किंग, मुंगेर का जो कॉपर का पिलर है वो किस पाल शासक को संबंधित है? मुंगेर ताम्रपत्र शिलालेख किस पाल राजा का है? ओके, तो मुंगेर ताम्रपत्र शिलालेख जो है ये किस राजा का है? ये राजा है देवपाल, किसका है? देवपाल का है। हु रिकंस्ट्रक्टेड पटना इन द मिडाइवल टाइम? शेरशाह सूरी। ओके, कहता है इन विच ईयर रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना एस्टेब्लिश? द रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना एस्टेब्लिश इन 1770। माइका डिपोजिट डिपोजिट आर फाउंड इन विच काइंड ऑफ रॉक्स? माइका डिपोजिट इन फाउंड इन विच काइंड ऑफ रॉक? दिस इज फाउंड इन ए धारवार रॉक। ओके, प्रारंभिक मध्यकाल में निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल शिक्षा का केंद्र नहीं था? तक्षशिला था, नालंदा था, विक्रमशिला था, ये उदयनाथ क्या था, ये नहीं था, ठीक ना। कहता है हुज इफेक्टेड लेट टू द सेकेंड सेशन ऑफ द बिहार प्रोविजनल कांग्रेस? किसके प्रयास से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? 183 द राइट आंसर इज सी, स्वामी दयानंद दीनदयाल सिंह, स्वामी दीनदयाल सिंह के प्रयासों के बाद ही बिहार में प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन हुआ था। हु वाज द एडिटर ऑफ अखबार ए बिहार? कौन था अखबार ए बिहार के संपादक कौन थे, एडिटर कौन थे साथियों? इसका सही जवाब है विलियम टेलर। द फेमस गोलघर इज सिचुएटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट? पटना डिस्ट्रिक्ट। ओके, कहता है बुहला उत्सव बिहार में से किस जिले में प्रसिद्ध रूप से मनाया जाता है? बुहला उत्सव बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? द राइट आंसर इज भागलपुर, भूसे बुहला, भूसे भागलपुर। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार? जयराम दौलत रामदास, नन ऑफ दिस। कहता है जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमा साझा करता है? 9 जिलों से। क्वेश्चन रिपीट कर रहा है साथियों, बिहार में किस पौधे के उद्योग की संभावना सर्वाधिक है? विद्या बिहार में जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री खुल सकता है, मतलब कृषि आधारित उद्योग। ओके, कोई समस्या है? अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। कहता है मंडल डैम प्रोजेक्ट इज बिल्ट इन ओनिज रिवर? मंडल डैम प्रोजेक्ट बिहार के किस नदी पर बनाया जा रहा है? नॉर्थ क्यूल। मंडल डैम बिहार के किस दक्षिणी क्यूल नदी पर बनाया जा रहा है? हो सकता है पीछे ये क्वेश्चन एक बार और आया था, वहाँ हम कोशिश करा दिए थे तो नहीं, गलत था, वो मंडल डैम क्यूल पर। हु इज कंसिडर एज द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार? मॉडर्न बिहार का क्रिएटर किसे कहा जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को। ओके, इनमें से किसी के क्षेत्र में घने पर्णपाती वन पाए जाते हैं? तो कैमूर में घने पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ओके, सही जवाब होगा वेस्ट चंपारण। में से किस जिले में किसका क्षेत्र घने पर्णपाती वनों से आच्छादित है? तो वेस्ट चंपारण का। निम्न से किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक पटना हुआ था, बताइए बताइए।
बच्चा बच्चा जानता है फर्रुख सियर का पटना हुआ था। ओके, फर्रुख सियर को क्या कहते हैं? घृणित कायर कहते हैं। क्यों कहते हैं घृणित कायर? क्योंकि फर्रुख सियर ने क्या किया था, सैयद बंधु के हमेशा दबाव में ही बेचारा रह गया था और मर भी गया। डरते डरते जिए थे सनम, डरते डरते ही मर गए। हु वॉज नॉट ए लीडर इन द चंपारण मूवमेंट? राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, अरुण नाग नारायण सिन्हा, राम नारायण जी, वल्लभ भाई पटेल कहाँ से आ गए चंपारण मूवमेंट में? नहीं थे वल्लभ भाई पटेल चंपारण मूवमेंट में, दूर दूर तक नहीं थे। ओके, विच वॉज द फ्लोइंग इज फॉल्स? मोस्ट लिटरेट डायनेस्टी डिस्ट्रिक्ट रोहतास, लिस्ट लिटरेट डायनेस्टी पूर्णिया, हाईएस्ट पॉपुलेशन पटना, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट शिवहर, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इज चंपारण। ओके, द फाउंडर ऑफ द मदर लैंड न्यूज पेपर वॉज मौलाना मजहरुल हक। ओके, मौलाना मजहरुल हक, मदरलैंड पत्रिका सदाकत आश्रम से कौन निकाला करते थे? मौलाना मजहरुल हक। ओके, बिहार के किस जिले में सीमा नेपाल के सबसे लंबी लगती है? बिहार के सबसे लंबी सीमा नेपाल से लगती है, वेस्ट चंपारण की। पता, विखना थोरी रेल लाइन इज फाउंडेड इन विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार? विखना थोरी रेल जो है ये किस जिले में पाया जाता है? तो विखना थोरी ये वेस्ट चंपारण में पाया जाता है। ओके, When the British princess visited in Bihar 1921, Prince of Wales visited in Bihar. बातें ये कभी ना, द डबल सेंचुरी इज हेल्ड। कैहूर कवर सिंह कैप्चर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन मार्च 25, 1858? कैहूर कवर सिंह ने किस डिस्ट्रिक्ट को ऑक्यूपाई कर लिया था? राइट आंसर इज आजमगढ़। राइट आंसर इज आजमगढ़। आजमगढ़ के अभी सांसद कौन है? निरहुआ रिक्शा वाला। इसे आजमगढ़ को किसने क्या किया था, कैप्चर कर लिया था? कौन आपका? कुंवर सिंह। पता, इन विच ईयर द डेनियस एस्टेब्लिश देयर फैक्ट्री इन पटना? डेन ने अपना फैक्ट्री पटना में कब एस्टेब्लिश किया था? तो 1774 में। पता है, बिहार की बोलियों पर व्यापक शोध किसने किया? Who have researched widely on the dialects of Bihar? ये कौन है? तो जॉर्ज ग्रीसन। जॉर्ज ग्रीसन ने किया था। Which river is also known as निरंजना river? निरंजना river किसे कहते हैं? फाल्गु नदी को ही निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। अभी फाल्गु नदी पर ही बना है गया जी डैम। बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है प्रारा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब। असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी परीक्षा के लिए केवल 20 दिन शेष रहने के बाद पटना कॉलेज छोड़ दिया था। कौन? तो जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने ऐसा किया था साथियों। बातें ये कभी ना। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? बिहार के सबसे पूर्वी भाग में किशनगंज। ओके, बताया विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स ज्वाइंट द गंगा एट फतुहा? गंगा को फतुहा में कौन सा ज्वाइन करता है? ये है पुनपुन। कौन है? पुनपुन। ओके, कोपन के जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु की व्याख्या किस प्रकार? उत्तर बिहार की जलवायु CWG। उत्तर बिहार की जलवायु क्या है? CWG है। विच इज द स्टेट फ्लावर ऑफ बिहार? मैरी गोल्ड इज स्टेट फ्लावर ऑफ बिहार। This is also known as गेंदा in Hindi language. Name the first मैथिली फिल्म ऑफ बिहार। गंगा मैया तोरे पिहरी चढ़े वो द फर्स्ट मैथिली फिल्म? नो, कन्यादान इज ए फर्स्ट मैथिली फिल्म। गंगा मैया तोरे पिहरी चढ़े वो इज ए भोजपुरी फिल्म। ओके, वी रीच द 2209 questions. Please like, subscribe and share the video. निम्नलिखित में से कौन पाटलिपुत्र आस्थान से संबंधित है? पाटलिपुत्र से कौटिल्य, आर्यभट्ट, अश्वघोषा, चंद्रगुप्त मौर्य, ऑल ऑफ दिस। द अशोका, अशोक बिहार में अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? तो ब्राह्मी लिपि। ओके,
पता, हु चाइल्डहुड नेम इज कुनिका, इसका चाइल्डहुड नेम कनिका था, कनिक था, कुनिक था, बताइए। 112 का, 212 का, सॉरी। वाह 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 राम जी, आपने क्या बताया है, बिल्कुल सही जवाब है। अजातशत्रु का मूल नाम क्या था? कुनिक। कुनिक के उपनाम से किसे जाना जाता है? अजातशत्रु किस वंश से थे? हायक वंश से थे। वैशाली में आयोजित द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष किस थे? पहला बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुआ था? तो पहला राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कश्मीर में। ओके, तो इस यहाँ सभी का अध्यक्ष है मोगली पुत्र तीस, ये थर्ड में नंबर पे था, ये सेकेंड नंबर पे था सवा कामी, ये बसुमित्रा जो है ये फोर्थ नंबर का था, और ये जो है ये फर्स्ट नंबर का था। लीजिए, आपसे द्वितीय पूछा, लिख दिया सवा कामी। द लास्ट रूलर ऑफ द लास्ट गुप्ता वाज, गुप्त वंश का अंतिम राजा कौन था? ओके 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 ओके, जीवित गुप्त टू, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बिहार के नायब दीवान के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रॉबर्ट क्लाइव के रूप में सीताब राय को बिहार के नायब दीवान के रूप में नियुक्त किया गया। कहता 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह ने को किसने गिरफ्तार किया? 1857 के विद्रोह के नेता जो अमर सिंह थे, जो किसके, वीर कुंवर सिंह के छोटे भाई थे, इनको किसने गिरफ्तार किया था? तो बिल्कुल सही जवाब है, महाराजा जैन जैन बहादुर ने। कहता है बिहार में चौकीदारी कर देने से इनकार करना का हिस्सा था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में भी पूछा जा चुका है। ओके सॉरी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का हिंदी तो हो जाएगा सहयोग आंदोलन ना, इसका होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो बोल तो सही है रहे हैं ना, लेकिन मार दिए वो सब सब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सही कर लेते हैं। कहता है बेला इंडस्ट्री एरिया इज लोकेटेड इन एट विच प्लेस इन बिहार? बेला इंडस्ट्रियल एरिया बिहार में कहाँ पाया जाता है, किस जिले में पाया जाता है? यह दरभंगा। कहता है वेयर आर द बाल सुंदरी सॉयल फाउंड इन बिहार? बाल सुंदरी मिट्टी बिहार में कहाँ मिलती है? ओके, ए बी और सी सब जगह, ए बी और सी सब जगह मिलता है, सहरसा, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण में। उदयपुर वन्य प्राणी सेंचुरी इज लोकेटेड इन ईस्ट वेस्ट चंपारण? उदयपुर वन्य प्राणी सेंचुरी कहाँ है? वेस्ट चंपारण है। बिहार दरोगा में भी पूछा है, बीपीएससी में भी कई बार पूछ चुका है। विच रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ बिहार? कोसी। नेशनल हाईवे टू कनेक्टेड विच सिटी? नेशनल हाईवे टू मोहनिया, सासाराम, देहरी, औरंगाबाद, ढोली, ऑल ऑफ दिस। ओके, बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम सचिव कौन थे? बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे राजनंदारी सिन्हा, आपको पता है, लेकिन प्रथम सचिव पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो सचिव थे राधा कृष्ण चौधरी। व्हेन वाज द पटना टाइम्स स्टार्टेड? पटना टाइम्स की शुरुआत कब हुई? तो ये जवाब है 1924 में। पीडमाउंट दलदली मिट्टी बिहार के किस जिले में मिलती है? तो वेस्ट चंपारण में। पीडमाउंट दलदली मिट्टी कहाँ मिलती है? वेस्ट चंपारण में मिलती है। कहते हैं बिहार के प्रशासनिक प्रभाग के निम्नलिखित में से किस जोड़े में गंगा नदी बहती है? ये क्वेश्चन भी 68 बीपीएससी में आया हुआ है, तिरहुत में नहीं बहता, सारण, कोसी, मगध। सही जवाब है आपका दरभंगा और मुंगेर, क्योंकि बेगूसराय पटना साहिब निम्न से किस सिख गुरु से संबंधित है? गुरु गोविंद सिंह, दसवें गुरु से। बिहार में बालक संघ के संस्थापक कौन थे? बिहार में बालक संघ के संस्थापक कौन थे? 128 द राइट आंसर इज सूर्यदेव नारायण शर्मा। बिहार में बालक संघ के कौन थे? सूर्यदेव नारायण शर्मा। बता बिहार में निम्नलिखित नगरों में से कौन सा इकलिम तुगलकपुर उर्फ तिरहुत की उपाधि से टकसाल का नगर बना? यह था आपका दरभंगा। बिहार के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा इकलिम तुगलकपुर उर्फ तिरहुत की उपाधि से टकसाल का नगर बना था? बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले का प्राचीनतम नाम अंगुत्री है? लखीसराय का प्राचीनतम नाम क्या है? अंगुत्री। लखीसराय का प्राचीनतम नाम क्या है? अंगुत्री है। तथा निम्नलिखित नपाषाण स्थलों में कौन सा एक बिहार में स्थित है? सारा तुरा है,
मस्की मेहरगढ़, मेहरगढ़ नहीं है, चिरांद है। ओके जवाब क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कौन कौन है सभी। ओके विच अमंग द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इवेंट इन नोट करेक्टली करेक्टली मैच विच द ईयर एक्सपेंडेड ब्रिटिश रूलर इन बिहार 1757। पला सही को तो पता है, इसी के बाद हुआ था बैटल ऑफ बक्सर, सही है। बंगाल टेनेसी एक्ट 1885 में आया था, सही है। 20th सेशन ऑफ द कांग्रेस 1912 में हुआ था गया, तो ऑल ऑफ सभी क्या है सही है। पता है बख्तियार खान का मकबरा बिहार के किस जिले में है, बख्तियार खान का मकबरा बिहार के किस जिले में है तो बताइए, बख्तियारपुर कहाँ है। ओके 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 आप लोग इतने समझदार ना बनो कि सारे जवाब को सही कर दो, फिर पढ़ोगे क्या भाई। ओके तो क्या है कैमूर में, बख्तियार खान का मकबरा बिहार के कैमूर में है। अब ये क्वेश्चन डाउटेबल लग रहा होगा तो इसको सर्च करना है। ओके निम्नलिखित में से किसने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में केलुआ में सिंह स्तंभ का निर्माण करवाया था, मुजफ्फरपुर जिले के केलुआ में सिंह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, ये था आपका अशोका ने। तथा बिहार के निम्नलिखित में महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने ने भगत सिंह को दी गई मृत्युदंड के खिलाफ आवाज उठाने के लिए लोगों को संगठित किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये महिला कौन थी, ये महिला थी आपके कुसुम कुमारी देवी, कुसुम कुमारी देवी भगत सिंह। पूर्वी गंडक जल विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में है, पूर्वी गंडक जल विद्युत परियोजना बिहार के गंडक जिस जिले में बहेगा वही ना होगा, ये जिला है वेस्ट चंपारण। ओके तथा निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी बिहार में दक्षिण गंगा दक्षिण से गंगा में मिलती है या नहीं मिलती है, तो गंडक सोन पुनपुन क्यूल, तो गंडक नहीं मिलती है, बाकी ये तीनों मिलती है। अतः दक्षिण बिहार के मैदानों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है, ताल प्लेन्स, क्यूल प्लेन्स, बागमती प्लेन्स, महानंदा प्लेन, तो कौन सा शामिल है, ताल प्लेन है, क्यूल प्लेन है, तो इसका जवाब क्या होगा, ई होगा, लेकिन बागमती प्लेन और महानंदा प्लेन शामिल नहीं है, ठीक है ना। बिहार में पाए जाने वाले धारवार चरण की चट्टान निम्नलिखित में से कौन सा सही है, दीज आर द वन ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक, सही है ये। ओके आर्कियन सेडिमेंट्री क्वार्टजाइट फ्लेशे पायलाइट ग्रेनाइट सिल्ट एंड साल्ट इज रॉक, सही है। कहता है दीज रॉक्स आर फाउंडेड इन द साउथ ईस्टर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार, नो साउथ पार्ट इन बिहार, धारवाड़ रॉक आर डोमिनेटेड बाय द माइका सिल्ट, ये सी नंबर क्या है सही नहीं है, ये साउदर्न ईस्टर्न में नहीं बल्कि साउथ में, पूरा साउथ में पाया जाता है, ईस्टर्न यहाँ पर क्या है ज्यादा लिख दिया गया। ओके इन टर्म्स ऑफ सी द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट टर्म्स ऑफ एरिया शिवहर, शिवहर इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। टू हंड्रेड फोर्टी 241 निम्नलिखित से कौन सा मगध में हर्षवर्धन का प्रतिनिधि था, मगध में हर्षवर्धन का प्रतिनिधि कौन था, हर्षवर्धन आपको पता है पशुभूतिवध से संबंधित है, मगध में इसका कौन था। ओके बताए बताए द राइट आंसर इज माधवा, माधवा गुप्त, माधव गुप्त। बता राजा मोहन सिंह को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया था अकबर के द्वारा, राजा मोहन सिंह को बिहार का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया गया था, अकबर के द्वारा। 1763 में पटना में अंग्रेजी कारखाने पर किसने नियंत्रण स्थापित किया था, मीर कासिम ने। क्या कैसा लगा वीडियो, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, आप चार को क्वेश्चन बचा है पूछ रहे हैं बता दीजिए। कहता है हुआ द लीडर ऑफ द पटना अप स्प्रिंग इन 1857, पटना अप स्प्रिंग के लीडर कौन थे, तो पीर अली थे। ओके अनुशीलन समिति शाखा की स्थापना बिहार में कहाँ हुई थी, अनुशीलन समिति शाखा की स्थापना बिहार में पटना में हुई थी। कहता है द लार्जेस्ट द लेंथ ऑफ बिहार फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट मतलब ऐसे बिहार का लेंथ कितना है, 483। ओके बता विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार गेट्स हाइएस्ट रेनफॉल, किशनगंज। ओके बता काकोला जलप्रपात कहाँ है, काकोला जलप्रपात नवादा में है। बता तिरहुत कृषि महाविद्यालय कहाँ है, तिरहुत कृषि महाविद्यालय कहाँ स्थित है, तिरहुत कृषि महाविद्यालय स्थित है मुजफ्फरपुर में।
IGMS पटना वाज एस्टेब्लिश इन विच ईयर, IGMS पटना का स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1965 में। तो ये था आपका क्या चीज परम आईएएस, आंसर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा ठीक है। लेकिन कुछ आंसर गलत है जो कि वीडियो में सही कराए गए हैं, तो ये दिक्कत है ओके। तो ये था परम आईएएस ऑफिसर्स मेकिंग ऑफिसर्स और सर्विस क्लासेज मेक्स ऑफिसर्स, बिहार स्पेशल एमसीक्यू प्रहार, 250 एमसीक्यू फुल फॉर 69 बीपीएससी प्रीलिम्स ओके। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, वैसे तो हमारे पास बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है ओके साथियों, जैसे कि ये आपका परम आईएएस का ही है, ये क्या है इंटरव्यू के लिए जो गाइडेंस आया है परम आईएएस का वो भी है, 67th बीपीएससी इंटरव्यू बुकलेट, ये आपको शेयर कर दिया गया टेलीग्राम पे ओके। बिहार सेंसस भी आपको पता होगा, अगस्त का करंट अफेयर हम आपको करा ही रहे थे, ये और कराएंगे ओके। तो मिलिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, वंदे मातरम, श्री शिवाय, नमस्तु भी। हम बहुत पढ़ाएं, हो सकता है आप लोग, हो सके तो वीडियो को क्या कीजिए, दबा के लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने प्यार प्यारे दोस्तों के साथ, क्योंकि आप देख रहे थे साथियों सर्विस क्लासेस कीजिए, हिट द टारगेट, इजी टू लर्न ओके। श्री शिवाय, नमस्तु भी, शुभ रात्रि, सब बात है।